अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं। सैफ के बारे में बताओ। इद्दत पूरी होने का इंतजार कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? वही इद्दत पूरी होने का इंतजार कर रहे हो। झूठ। तुम दुआ कर रही हो कि ये इद्दत कभी पूरी ना हो। तो जोया की कार है, जाओ जल्दी जाके देखो। कहने को तुम्हें बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन बाप बेटी के रिश्ते को समझ नहीं पाया। ज्यादा सोचिए मत। तो फिर ये कहकर तसल्ली दे दो कि वो वापस आ जाएगी। उसे वापस आना पड़ेगा इनामदार। ठीक हूं को रास्ते बदल कर वापस रास्ते पर आना ही पड़ता है। जोया के कहने पर तो नहीं आएगी। वो किसी के कहने पर नहीं आएगी। आप ही ने तो कहा था हर वापसी के लिए किसी ना किसी हादसे की जरूरत होती है। हेलो फारिस। हाँ क्या? पता चला ऑपरेशन शुरू हो गया है, सर पर गहरी चोट लगी है। डॉक्टर से बात है? कितने चांसेस हैं? 50-50। तो बहुत खुश होकर गई थी यहां से। आज मैंने बहुत प्यार किया उसे, पता नहीं क्यों आज अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी, माँ जैसी। आज जब वो आई तो मैं उसे ख्वाब में देख रही थी। बड़ा कोइंसिडेंस। क्या हुआ आज? डांटा क्यों नहीं तुमने उसे? धक्के मारकर बाहर क्यों नहीं निकाला घर से? कहा ना प्यार आ रहा था उस पर। प्यार उसे रास नहीं आया। क्या मतलब? जोया का एक्सीडेंट हो गया। She's badly injured.
सर पे गहरी चोट आई और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि क्या क्या कह रहे हैं? खबर अच्छी नहीं है माया। मैं डॉक्टर्स की लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जब वो 50-50 कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई चांस नहीं। अंदर सिर्फ एक प्रोफेशनल एफर्ट हो रही होगी और कुछ नहीं, दैट्स इट। उसे कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कहता है उसे कुछ नहीं। तुमसे मेरी शर्मिंदगी मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं ये कहूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। डरिए मत बैरिस्टर साहब, 50-50 का मतलब है वो जिंदा रहेगी, उसे कुछ नहीं होगा। सब ठीक है डॉक्टर, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए। आप लोग आइए मेरे साथ उसके कमरे में, अगर आप लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो मुझे लगेगा अंदर से कोई अच्छी खबर नहीं आएगी। सिराज अंकल, जोया कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। एक्सीडेंट हम दोनों के सामने हुआ था, इसलिए हम यहाँ आए। हाय फारिस। हाय। जल्दी आ जाऊंगी पापा, I promise. I know. अगर उसे कुछ हो गया ना तो भूल कर भी उस घर में कदम मत रखना। ये आग सारी तुम्हारी लगाई हुई है जिसमें हम सब जल रहे हैं। दुआ करो जोया को कुछ ना हो। सॉरी उम्र, तुम्हें बहुत दुआई देती रहूंगी मैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? आओ बेटा, आ जाओ। तुमने अच्छा नहीं किया, अब वो कभी नहीं आएगी। मैं उसका इंतजार नहीं करती, बस ये दुआ करती हूँ कि वो खुश रहे। मेरे लिए एक ही बेटी काफी है, ये भी मर गई तो मैं आपको बेऔलाद समझ कर जी लूंगी। कैसी बातें करती हो तुम? खुश हो जाइए, यहाँ से चली गई है। अगर यहाँ रुकती तो ऑपरेशन थिएटर से अच्छी खबर ना आती। उसका अच्छी खबर से कोई रिश्ता नहीं है। ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये बताओ कि सांस चल रहा है? जी आंटी, सांस चल रही है, वो जिंदा है और वो जिंदा रहेगी। क्या हुआ है? ये गुस्से का वक्त नहीं है। तुम्हारी बहन जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है माया। तुम गलत कह रही हो, वो मेरे और मामा पापा के बीच खड़ी है। उसने मेरे हिस्से की सारी मोहब्बत नफरत में बदल दी है। काम डाउन माया,
ये नफरत नहीं, गुस्सा है। मैंने पापा से कहा मैं वापस आ जाऊंगी। चौथी मामा ने क्या कहा? मामा ने कहा कि जोया को कुछ भी हुआ तो भूल कर भी उस घर में कदम मत रखना। But it's natural. छोड़ के जाने वालों के साथ ऐसा ही सलूक होता है। माँ बाप तड़प उठते हैं, कह देते हैं कोई ऐसी बात, फिर आज मैं भी तड़प कर जाती हूँ। उस घर की चौखट मेरे कदमों के लिए तरसती रहेगी। मुझे अपनी बेटी के जाने का इतना दुख नहीं है जितना तुम्हें खो जाने का। वो तो आ जाएगी एक दिन, तुम नहीं आओगे। तुम अभी तक गई नहीं? तुमने तो कहा था दो दिन में चली जाओगी, आज तीसरा दिन है। इसे मैंने रोका है। क्यों? अभी सामान उठाकर सड़क पर तो नहीं रखेगी ना, फ्लैट की पोजीशन में दो तीन दिन बाकी हैं। आजकल मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, हर वो शक्ल देखनी पड़ती है जिससे नफरत है मुझे। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, आजकल थोड़ी मुश्किल में है वो। जोया कैसी है? उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो फिर ये वहां से लौट क्यों आई? चीजें उसके लिए इतनी आसान नहीं रही। इसको बैठ के समझाओ बेन, जिंदगी आसान है और ना मोहब्बत, और जो दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे हमेशा मुश्किल में रहते हैं। कोई मेरे लिए आया हो तो दरवाजे से वापस भेज देना। लुबना दरवाजा खोलो, लुबना दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लुबना दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। लुबना हटो, मैं खोलती हूं। देखिए मैं लुबना का मंगेतर हूं और मुझे से कुछ बात करनी है। लेकिन लुबना आपसे बात करना नहीं चाहती। देखिए आप मुझे अंदर आने दें प्लीज। सॉरी।
मेहरबान छोड़ो माया, मैं सच्चाई का पता नहीं है। ये बात पुरानी हो गई सैफ, ये सच्चाई का मुझे नहीं पता। आज मैं तुम्हें बताती हूँ सच्चाई का तुम्हें पता नहीं। वो सच ये मोहब्बत का खून करते रंगे हाथों पकड़े गए हो तुम। जिस लड़की ने तुम्हारी ये दुनिया पलट दी, उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखो। याद रखना, ये नफरत तुम्हें दुनिया के किसी कोने में चैन से जीने नहीं देगी। क्या दिया है ये सिला, बेवफाई की रसम क्यों है तेरी इत्तरा। तूने मुझको क्या दिया, क्या दिया है ये सिला, बेवफाई की रसम क्यों है तेरी इत्तरा। सैफ के लिए फारिस को छोड़ा है तुमने? None of your business. अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ कि सैफ is none of your business, तो फिर क्या कहोगी तुम? How dare you? तो please. हाथ छोड़ो मेरा। आज मैं जाने से पहले आईने में इसकी सूरत इसको दिखा के जाऊंगी। जानती हो सैफ लगता कौन है मेरा? मेरा मंगेतर है वो। बुरा है, फ्लर्ट करता है, लड़कियों को धोखे देता है, ब्लैकमेल करके उनसे पैसे बटोरता है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं सिर्फ उससे खफा हो सकती हूँ, उससे लड़ सकती हूँ, उसका मुंह नोट सकती हूँ, उसे थप्पड़ मार सकती हूँ, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो मेरी पप्पो का बेटा है। और हमारे यहाँ लड़कियां बचपन में जिसके नाम कर दी जाए ना, तो मरते दम तक उसी की मलकियत बन के रहती। सच बताऊं तुम्हें, अगर उसकी वजह से तुमने अपना घर तोड़ा है ना, तो समझ लो जिंदगी भर पछताने के लिए तुम्हें लंबी उम्र का तोहफा देंगे। अभी लंबी उम्र जी और अपने मरने का इंतजार करो। बस कुछ नहीं करोगी तुम, बिजली अगर तुम पे गिरी है तो घर उसका भी चला है, तकलीफ अगर तुम्हें हो रही है तो वो भी तड़प रही है, तुम भी ये तकलीफ सहो और उसे भी तड़पने दो। She all right? हाँ डॉक्टर कहते हैं अगले 48 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। जा रही हूँ, तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी अब। लेकिन मेरे जाने के बाद सोचना, क्या मैं उनमें से थी जिनसे तुम्हें नफरत करनी चाहिए थी? तुम कहीं नहीं जाओगी, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अगर कुछ देर तक एक ही शख्स को शेयर किया जा सकता है, थोड़े दिन के लिए एक दूसरे को भी शेयर कर लेते हैं। तुम पछता रहे हो? अपनी गलती को मान लेना अगर पछतावा है, तो समझो मैं पछता रही हूं। Thank you.
डॉक्टर्स के आने से पहले मैं दो तीन कष्ट लिखी माया का मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, आज भी लगता है कि मुझे पूछने का हक है। आपको किसने कहा कि आपको हक नहीं है? दुख दे गई है ना? नहीं, दुख ले के गई है। बहुत बड़े आदमी है। सच में अच्छी है, बहुत इतनी अच्छी है कि आज भी याद आ जाती है। वो तब्दीली सिर्फ इतनी सी है कि आज जब वो याद आती है तो सोच लेते हैं कि वो हमारी नहीं है। तो क्या हुआ, दुनिया में सब अच्छे लोग हमारे तो नहीं है? ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि गलती उसकी थी। हो सकता है बाद में हमें कहना पड़े नहीं जनाब, गलत तो हम थे। अगर ये पता लग गया ना कि हम गलत थे तो सराज अहमद चावला सूर फूंक दी जाएगी, फिर कयामत के लिए अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल छोटा मत कीजिए नामदार, हम गलत ना हुए तो वो वापस आएगी। आएगी कहाँ, बाप के घर में ना। दूसरे बाप देखकर डर नहीं जाएंगे? अब लगता है कि माँ बाप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, बच्चों के हाथों में खिलौनों की तरह टूटते और जुड़ते रहते हैं। चलिए हम समझेंगे कि हम टूट गए, आप दुआ कीजिए कि मरने से पहले जुड़ जाएं हम। दुआ है कहाँ, घर छोड़कर चली गई है। नहीं भाई साहब, वो मर गई है। पापा प्लीज रिलैक्स। ये क्या हो रहा है जनाब? मैं पाइप पीने लगा हूं। ये हॉस्पिटल है सर। जी मुझे मालूम है। मालूम है और फिर भी आप पाइप पी रहे हैं। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि सिगरेट नोशी ममनू है। डॉक्टर मैंने तो सारी जिंदगी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, पाइप ही पीता रहा। एनीवे आपको मुबारक हो सर, उसे होश आ गया। और हाँ प्लीज नो स्मोकिंग, ओके? यस शो। पूछो। क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि मैं अब वो नहीं हूं जिसे तुमने टूट कर चाहा था? लो तुम, मोहब्बत कोई मौसम है जो दिसंबर में होगा तो जून में बदल जाएगा। आई लव यू एंड आई लव यू सो मच। अच्छा ये बताओ इस बात को मानते हो ना कि मोहब्बतें आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होने लगती हैं?
स्याह मोहब्बत होती है ना जाने में, फिर वहां से डिसअपीयर नहीं होती। किसी बात पर खफा हूं मुझसे? मैं सच कह रही हूं फारिस, मुझे अब तुमसे मोहब्बत नहीं रही। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? तुम चाहते हो मैं झूठ बोलूं? झूठ नहीं बोलूंगी। जिस रिश्ते में मोहब्बत बाकी ना रहे उसे पंक्चर गाड़ी की तरह चलाने में खतरा है। What the hell are you talking about? क्या तुम्हें इस बात की तकलीफ नहीं होगी? तुम एक ऐसी बीवी के साथ रह रहे हो तुमसे जरा भी मोहब्बत नहीं है। Okay, I don't mind. But I mind it, Faris. तुम्हारे पहलू में बैठ के किसी और को याद करो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पहलू में बैठ कर किसी और को याद करो? फारस, टिपिकल मर्दों की तरह बिहेव ना करो। अगर मैं तुमसे सच बोलने की हिम्मत करे तो तुम भी सच सुनने की हिम्मत दिखाओ। मैं किसी और से मोहब्बत करने लगी हूं। हाय पहलू में बैठ के मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी गैर आदमी के पास बैठी हूं। कौन कौन है वो? कौन है वो? जो दरवाजे पर फूलों की डाली रखता है। फारिस, यहां बैठे बैठे इसे ऊंग आ गई, कंधे पर सर रखकर सो गया।
सो गया तो मैंने तर्स खाकर इसे सोने दिया। मैंने दो नए इंजीनियर्स अपॉइंट किए, अगर तुम इंटरव्यू करना चाहो तो कर लो। इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम ज्यादा थके हुए नहीं हो तो साइड पे चलो। मैं बहुत थका हूं। देखने में तुम दोनों खासे जवान दिखाई देते हो। दूसरा कौन? दारिया। उसे क्या हुआ? उसका कंधा दुख रहा है। क्यों? तुम पूरे दो घंटे उसके कंधे पे सर रख के सोए रहे। God से मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? अपनी आंखों से देखा है। हॉस्पिटल में? जी हाँ। तो उसने बताया क्यों नहीं? मतलब जगा कर कह देती, ये क्या हो रहा है? तो बस ये सोचती रही कि ये क्या होगा। एयर जहाज में भी ऐसा हो जाता है, अक्सर साथ बैठे हुए किसी शख्स को ऊंग आ जाती है और वो आपके कंधे पे सर रख के सो जाता है। अच्छा, लड़की साथ में बैठी हो और ऊंग आ जाए तो फिर दिखाना उसके कंधे पे रख के सर। साथ लड़की बैठी हो तो कॉन्शियस होता हूं मैं बहुत, लेकिन वहां तो अपनी दारिया थी सिराज अंकल, नींद में रख दिया होगा सर। 5 मिनट तो सोया था बस। 5 मिनट नहीं, पूरे 2 घंटे। पर वो भी ऐसे थम के बैठी कि लाडले को नींद आ गई, जुम्बे छेड़े ली। गॉड। ओके, मैं साइड पे चलता हूं। उसे पलकें झपकी हैं। आप जनरल डॉक्टर से ये मेरी तरफ कब देखेगी? मैं पूछ रहा हूँ, आओ तुम कमरे में चलो। नहीं गामदा, रुके यहाँ पे, मुझे ये घर में रहने दे। देखो अब वो बिल्कुल ठीक है, शाम तक वो उठकर बैठ जाएगी खुद से। प्रॉमिस करें। प्रॉमिस? हाँ। बेवजह अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं?